देखिए, 2 साल का जो मेरा ब्रेक था उसमें से 2008 के बाद 1 साल मैंने खुद ब्रेक लिया था, और फिर 2010 में मैं जुलाई जून जुलाई की तैयारी में था कि उस समय मैं कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए पूरा तैयार हो जाऊंगा। लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुई, कुछ ऐसे हालात हुए कि सिलेक्शन पॉलिसी चेंज हुई बिल्कुल मध्यकाल में, और उस वजह से मुझे टीम से बाहर रहना पड़ा। तो उसका जो एक हल्का सा जो दर्द था वो दिल में जरूर था, और जिस तरह का माहौल बना था मन नहीं कर रहा था कि वापस आके मैं शूटिंग करूं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने मेरा साथ दिया और मुझसे कहा कि एक बार तो कमबैक करना ही पड़ेगा आपको। हालांकि मुश्किल था क्योंकि सब चीजें, काफी समय से मैंने शूटिंग में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन फिर भी आज जो हालात थे उसमें शूटिंग करके जो पोजीशन आई है उसे बहुत अच्छा लगता है। मैं ये नेगेटिव एक वो होता है, मैं किसी को कोई किसी को कुछ प्रूफ मुझे करने की जरूरत नहीं है, किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। जिन जिन हालात में मैंने 2004 में मेडल जीता था, 2002 में जीता था, और इस दुनिया में जितने भी शूटिंग के कंपटीशन हैं उन सब में मेरे पास एक मेडल है, तो किसको क्या प्रूव करना है? और दुनिया तो प्रूफ मांगती रहेगी, तो देयर इज नो एंड टू इट। बट खुद के लिए और खास तौर से उन लोगों के लिए जिनको मुझ पर विश्वास था, उनके लिए मुझे खुशी है कि मैं कर पाया। देखिए, पिछले 10-12 साल से मैं शूटिंग कर रहा हूँ, तो मुझे मुझे एग्जैक्टली पता है कि तैयारी किस तरह से करनी है, कैसा माहौल होना चाहिए, खुद के लिए कैसी फिजिकल मेंटल टेक्निकल तैयारी करनी चाहिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, और आर्मी का, जिन्होंने मेरे को सहूलियत दी कारतूस एमुनेशन की।